हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपन आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में आज मैं आपको कहानी लेके आया हूँ। मैं सभी का वेट कर लेता हूँ, इतने में आप लाइव जुड़ जाइएगा। तो आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, उसकी मैं बेसिकली आपको कहानी बताने जाऊंगा। तो पहले तो इस वीडियो को जितना शेयर कर दो जितना हो सके। तो अपन आज बेसिकली जो आपको कहानी है उसके अंदर अपने को जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है बेसिकली उसका नाम है जय श्री कृष्णा, राधे राधे आपको, जय श्री कृष्णा। विजेंद्र जी जुड़ चुके हैं भाई, आज मैराथन क्लास है, मैंने थंबनेल में लगा दिया यूट्यूब के अंदर। जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिएगा। करना जी भाई इसको शेयर कर दो भाई, पहले शेयर कर दो। मैं दो मिनट सभी का वेट कर लेता हूं, इतने में आप लाइव जुड़ जाइएगा। अरे क्या मतलब है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, उससे कोई मतलब नहीं है भाई भूपेश, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो भाई, लाइव जुड़ जाइएगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, दो मिनट का समय है आपके लिए और मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बेसिकली जितना हो सके इसके शेयर कर दो। आज मैराथन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। अगर मैं बीएससी की बात करूँ सेकेंड ईयर की और जेई की बात करूँ और यहाँ पे बात करूँ मैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर, यहाँ पे एक फेमस रिएक्शन भी आती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसकी कहानी क्या होने वाली है। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, इतने में सभी जुड़ जाइएगा। पहले जितने भी हैं स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो जुड़ जाइए क्योंकि आज संडे है, संडे को स्पेशल क्लास है। इस क्लास का नाम मैराथन क्लास है और मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ईथर। ईथर को मैं आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ईथर की, जो आज मैं इसको आधा समाप्त कर दूंगा, यानी हाफ लेक्चर के अंदर मैं इसको समाप्त करने वाला हूं। ईथर की बेसिकली कहानी क्या होने वाली, ईथर की मैं कहानी को आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सभी लाइव जुड़ जाइएगा, जितना हो सके पहले इसको शेयर कर दो। जुड़ चुके हैं यहाँ पे, कौन कौन जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाई। जितने भी जुड़ रहे हैं इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो इसको जितना हो सके पहले, क्योंकि आज मज़ेदार टॉपिक है और मज़ेदार इसकी कहानी होने वाली है। जितने भी हैं भाई इसको शेयर कर दो पहले, हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। आज स्पेशल क्लास है क्योंकि वापस ये क्लास आने वाली नहीं है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। हाँ जी भूपेश, भूपेश का दिमाग अलग चल रहा है। दीपक सैनी जुड़ चुके हैं, भूपेश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं भाई, आपका सभी का स्वागत है। अपन आज ईथर की कहानी के बारे में आपको मैं रूबरू कराना चाहूँगा, एक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ईथर कैसे फॉर्मेशन होता है और ईथर की बेसिकली कहानी क्या होती है, उस कहानी को मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या पढ़ाने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा जनाब, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। ईथर को फटने का क्या तरीका, ईथर अपने को याद हो जाए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यानी ईथर को फटने का क्या तरीका हो सकता है, बेसिकली तरीका क्या है इसका, किसका, ईथर का तरीका, यानी तरीका क्या है, ईथर को कैसे अपन फट सकते हैं, तरीका क्या है बेसिकली ईथर का, उसकी मैं आज आपको कहानी बताऊंगा। ईथर की बेसिकली क्या कहानी होती है, तो ईथर को अपन स्टार्ट कर रहा हूं। तो ईथर को कैसे फटना है वो ध्यान दीजिएगा भाई, पहले जितने भी हैं सारे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसको फटने का तरीका क्या है, ईथर को तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें क्या फटेंगे, कमेंट मत कीजिएगा, भूपेश कमेंट कर रहा है, ध्यान दो बस, तुम तो कमेंट मत करो, ध्यान दीजिएगा बस। ईथर के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे अपन पहले प्रस्तावना, क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, बेसिक इंट्रो डैक्सन, क्या पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिक पर हम पढ़ेंगे परिभाषा पढ़ेंगे, इसमें साफ साफ नोट्स बनाने हैं और पेन कॉपी साथ रखिएगा। परिभाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन,
डेफिनेशन, क्या बोलते हैं डेफिनेशन। और इसमें अपने को एक टॉपिक और पढ़ना है, इसमें अंदर ही अपने को पढ़ना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, इसके अंदर अपने को पढ़ना है ईथर के प्रकार, ईथर, ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ईथर, टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार। जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने इतना अब अभी आपको बताया, क्या बताया, ईथर को कैसे याद कर सकते हो आप। ईथर को याद ऐसे करना है, सामान्य परिचय हो गया, सभी के समझ में आ गया। कॉपी पेन साथ रखिएगा, जितना हो सके पहले शेयर कर दो इसने, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़े उनको शेयर कर दो सर की आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, तो बहुत ही इसको आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो तरीका ये हो गया बेसिकली। अब ध्यान दीजिएगा भाई इसके अंदर क्या अपन बात करेंगे। अब इधर मैं लिखने वाला हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा, इस एरो को इधर ले जाता हूँ मैं, इस एरो को इधर ले जाएंगे, आर ओ आर। सर तबीयत खराब है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है भाई भूपेश, सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिचय, परिभाषा और ईथर के प्रकार, वो भी यहाँ पे बताना। दूसरा इसके अंदर बात करेंगे अपन, ध्यान देना जी, बेसिकली इसके अंदर दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक बात करेंगे इसके अंदर अपन, बात करेंगे इसमें नामकरण की बात करेंगे, नामकरण किसकी बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे। अरे क्या अब क्या बोल रहा है भाई, ये मज़े ले रहा है, ले ले भाई मज़े। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कोरोना, नोमेन क्लेचर कोरोना कौन, भूपेश बोल रहा है, अरे भूपेश क्या बोलता है। नामकरण देखिएगा भाई, नामकरण के बाद में इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें ईथर में समझौता, ईथर में उतार ले भूपेश फालतू कमेंट मत कर, ईथर में समझौता, ईथर में समझौता, ईथर में समझौता। अरे याद तो सभी की आ रही, उतार ले पहले इसको पढ़ ले आराम से। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन ईथर, ईथर आइसोमेरिज्म इन ईथर। अब जनाब इसके अंदर फोर टॉपिक अपन पढ़ेंगे, इधर लिख देता हूँ इसको, ध्यान दीजिए भाई इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, इधर लिख देता हूँ। चौथा टॉपिक अपन पढ़ेंगे ईथर में समझौता, और इसमें बता देंगे ईथर की संरचना, ईथर की संरचना, ईथर की संरचना एवं बंधन, ईथर की संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर, ईथर में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान देना जी भाई एक बार, पांचवा टॉपिक इधर लिख रहा हूँ इसको, पांचवा टॉपिक क्या क्या अपने को बेसिकली पढ़ना है, तो आपको ध्यान देना। सर जी नमस्ते, नमस्ते जी बाबूलाल, आपको ध्यान देना भाई, ये चार टॉपिक हो गए, पांचवा टॉपिक मैं इधर लिख देता हूँ इसको ऐसे करके, यहाँ पे पांचवा टॉपिक अपन इसमें पढ़ेंगे, ध्यान देना भाई सभी साफ साफ बनाने नोट्स, ध्यान दीजिए। बाबूलाल जी भी जुड़ चुके हैं, बाबूलाल प्रजापत जुड़ चुके हैं भाई, ध्यान देना जी भाई, इसको उतारो पहले तो, जितना हो सके पहले इसको उतारो, मैं बाद में मत करूँगा इसकी ओर, उतारो पहले इसको इतना, सभी उतारो, जगह नहीं है वाइट बोर्ड में, उतारो इसको पहले सभी, अभी आगे और बताएंगे इसके अंदर। तो कितने टॉपिक इसके अंदर अपने को पढ़ने हैं वो मैं आगे थोड़ी देर के अंदर बता दूंगा। पांच क्या है, पांचवा है भाई, पांचवा लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, पांचवा बताएंगे अभी, बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा जी भूपेश आपको। निर्मल नमस्ते सर, नमस्कार जी आपको भी नमस्कार जी, स्क्रीन शॉट लो एक बार इसका, आप क्या क्या है इसके अंदर, सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्ट, परिभाषा के अंदर ईथर के प्रकार, और इसमें नामकरण पढ़ेंगे, आईयूपीएस सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली इसके अंदर, आईयूपीएससी नामकरण, इस ईथर में समय होता पढ़ेंगे, ईथर की संरचना एवं बंधन। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका,
ऐसे कि इसको क्या फंडना है, इथर को फंडना कैसे है। तो स्क्रीन शूट लीजिएगा पहले, तो अब मैं इसको आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शूट ले लिया होगा, आराम आराम से लिख लेना भाई और क्या क्या फंडने हैं, ध्यान दीजिएगा भाई एक बार इसके अंदर बेसिकली। अब ध्यान दीजिएगा भाई, भाई यहाँ पे फालतू कमेंट मत करो भाई, फटाई में ध्यान दो। ईथर के अंदर बात बताएंगे, 5 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, ध्यान देना जी। ईथर की बनाने की विधियाँ, ईथर को बनाने की विधियाँ, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर को बनाने की विधियाँ, 5वां टॉपिक ये है बेसिकली। और इसमें बात करेंगे अपन ना, 6th टॉपिक रहेगा ईथर के भौतिक गुण पढ़ने में ध्यान दे भूपेश, सही है भूपेश, फालतू कमेंट मत कर रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, तो इसे फिजिकल ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। लास्ट टॉपिक इसमें बात करेंगे 7वां, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, ईथर की रासायनिक केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं बेटा जी, वो आपको आनी चाहिए बेसिकली। तो ईथर के अंदर मैंने आपको अभी तक ये कराए ईथर बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लो यहाँ पे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ पे भी लिख लो, वेरी इम्पोर्टेंट, ये वाले टॉपिक दो, इन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और जेई में और नीट में, कौन कौन से टॉपिक में, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं में और इसके अंदर ईथर की बनाने की विधियाँ यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूनिट कौन सी है, यूनिट 2nd चल रही है भाई, फिनोल ईथर एपोक्साइड, बाबूलाल चल रही है। तो ईथर की बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और इसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई बेसिकली, और यहाँ पे इसके अंदर ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आता है, और बेसिकली और क्या क्या आता है, और ये वाला केमिकल रिएक्शन यानी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, किसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसकी किसकी, ईथर की बेसिकली। इसमें 2 टॉपिक हैं, एक तो ईथर है और एक एपोक्साइड, एपोक्साइड को अपन एक लेक्चर में ही बेसिकली समाप्त करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट लो, आप कॉपी के अंदर कॉपी पेन साथ रखिएगा और साफ साफ नोट्स बनाइएगा, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास में दे रहा हूँ, सेम एज इट इज। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, ईथर का बेसिकली क्या कहानी चल रही है, तो ईथर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो ईथर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ईथर का स्क्रीनशॉट ले और लिख लीजिएगा, पहले इसको लाइक कर दो पहले। हाँ भाई, इतना सभी के समझ में आ गया क्या, बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इतना सभी के समझ में आ गया क्या, कमेंट करो भाई, इतना सभी के समझ में आ गया क्या, सभी को दिख रहा है साफ साफ नोट्स बनाने, मैं जैसे आपको लाइव के अंदर पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में भी लाइव पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी सेम एज इट इज ये टीचिंग मैं ऐसे कैसे वहाँ पे भी करता हूँ, आपने देखा होगा जी, यू नो दैट। हाँ जी, तो सभी के टॉपिक जो मैंने किया था
हाँ सभी के समझ में आ गए ये टॉपिक अपने को बेसिकली, इसमें तरीका क्या है फड़ने का, तो ये टॉपिक के अंदर अपने को फड़ना पड़ेगा बेसिकली। तो इतनी बेसिकली अपनी ये कहानी चल रही थी, तो ये कहानी आपको बेसिकली आनी ही चाहिए। अब मैं टॉपिक को आगे फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूँ भाई। लाइक राजेंद्र कुमार अग्रवाल, यस सर राजेंद्र कुमार अग्रवाल। हाँ जी बोलो जी, आप क्या प्रॉब्लम है भाई आपके? यस सर, हाँ जी बोलो, कौन है राजेंद्र कुमार अग्रवाल? जानते हो जी, पहली बार आए राजेंद्र कुमार अग्रवाल भाई। मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट हो चुके हैं लेक्चर की भाई, लाइव क्लासेस चल रही हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ईथर की बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर, और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं और इसकी ईथर बनाने की विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों रिएक्शन को आप चांद तारे लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नीलम जैन, हाँ जी ठीक है जी, नीलम जैन जी हो आप, नीलम जैन है क्या? ओके जी नीलम जैन, आपको समझ में आ गया इतना ही? नीलम जैन, क्या टॉपिक समझ में आ गया है क्या अभी तक का? नीलम जैन ने बोला सर हाँ अभी आए हो, मैंने आपको सभी को मैसेज कर दिया था ना, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दिया था। अरे रामेश्वर प्रजापत भाई, ये कौन है भाई? ये क्या कमेंट कर रहा है भाई? मी भूपेश, मैं भूपेश, भूपेश ने दो दो आईडी बना रखी है भूपेश ने। भूपेश समझ में आ गया। अब बेसिकली अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, पहले ईथर की परिभाषा। तो मैंने ये सात सात टॉपिक है इसके अंदर, ईथर में सात टॉपिक को आपको आने ही चाहिए। हाय ब्रो कैसे हो? के यादव, के यादव कौन है भाई? भाई बढ़िया है सब? हाँ नहीं सर, पापा गेम चला रहा हूँ। पापा गेम चला रहे हैं भाई? तो क्या हो गया? पापा गेम चला रहे भाई, फट रहा है? पापा को बोल दो फट रहे हैं सर। गुड जॉब के यादव। हाँ बता भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दे मेरे को। हाँ तो बेसिकली इसको सर आगे पढ़ाओ, ये भूपेश को छोड़ो। हाँ जी ठीक है जी, अब आगे पढ़ा रहे हैं भाई, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, साफ साफ नोट्स बना रहे हैं। अब देखना जी भाई इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सात टॉपिक आप बेसिकली आपको याद होने चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर के अंदर, मैं ये टॉपिक पर पहले कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पहला टॉपिक स्टार्ट है इसके अंदर, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यानी इसको इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेसिक इंट्रोडक्शन यानी इसकी अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? परिभाषा। परिभाषा क्या होती है इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। अब मैं उदाहरण से समझा देता हूँ, कोई है ना दो एल्किल समूह के बीच द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु आ जाए, यानी मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनिएगा जनाब, जनाब मैंने क्या बोला? अगर दो एल्किल समूह के बीच अगर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन है द्विसंयोजी परमाणु यानी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन? ऑक्सीजन, यानी दो एल्किल समूह है यहाँ पे CH3 है और ये वाला CH, तो बीच में क्या आ जाए? ऑक्सीजन एटम आ जाए। ऑक्सीजन एटम क्या होता है? द्विसंयोजी होता है। तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं इसके अंदर, परिभाषा के अंदर क्या आ जाए? लिखना जी वे कार्बनिक यौगिक, लिखना जी जनाब वे कार्बनिक यौगिक जहाँ ऑक्सीजन, वे कार्बनिक यौगिक, नहीं भाई मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी रहता हूँ, मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास में बिजी रहता हूँ दीपक सैनी जी, मैं राजपूताना पीजी कॉलेज में ऑफलाइन क्लास में बिजी रहता हूँ भाई, वहाँ पे मुझे क्लास लेनी पड़ती है, ऐप के ऊपर अपलोड करनी पड़ती है भाई। हाँ भाई लिखिएगा भाई, वे कार्बनिक यौगिक जहाँ, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जहाँ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के द्विसंयोजी, ऑक्सीजन के द्विसंयोजी परमाणु से, वे कार्बनिक यौगिक जहाँ ऑक्सीजन के द्विसंयोजी परमाणु से दो एल्किल समूह
दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह वे कार्बनिक यौगिक जहां ऑक्सीजन के द्विसजीव परमाणु से दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो, जुड़े हुए हों तो वे कार्बनिक यौगिक जहां ऑक्सीजन से द्विसंयोजी परमाणु एल्किल समूह जुड़े हो तो ईथर कहलाता है, उसे ईथर कहते हैं, उसे ईथर कहते हैं। दूसरे जनाब दोबारा सुनिएगा भाई, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, वे कार्बनिक यौगिक जहां ऑक्सीजन के द्विसंयोजी परमाणु में दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं उन्हें ईथर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, उन्हें ईथर कहते हैं। यानी क्या बोला, दो दो यानी दो एल्किल समूह के बीच में द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु आ जाए। क्या बोला, दोबारा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यानी दो यानी एक सी एस थ्री इधर है, सी एस थ्री, और बीच में कौन सा एटम जाए, ऑक्सीजन एटम आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अंदर मैं समझाऊंगा, इस परिभाषा को समझाए जो मैंने आपको बोला है। मैंने क्या बोला, द्विसंयोजी परमाणु कौन है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं, ओ टू होता है, क्या होता है, ओ टू होता है, तो ये डाई मॉलिक्यूल्स है, कौन, ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे कितने, दो दो ऑक्सीजन काम आएंगे, ओ टू, यानी ये डाया एटोमिक मोलिक्यूल से कौन, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा जनाब इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सी एच थ्री और ओ और सी एच थ्री, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर। अब जनाब इसको मैं समझाता हूँ आपको, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया डाई मैथिल ईथर, इसको क्या बोलते हैं, डाई मैथिल ईथर, क्योंकि सी एस थ्री दोबारा, इसको बोलते हैं ईथर, जनरल कॉमन नेम ये होता है, वैसे इसका होता है मैथोक्सी एथेन होता है इसका आईपीएससी नेम, वो मैं आगे बताऊंगा, आईपीएससी नेम इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा जनाब। तो मैंने क्या बोला, सुनिएगा, परिभाषा को रटना नहीं है, अपने को केमिस्ट्री सीखनी है। तो यहाँ पे एक तो ये सी एस थ्री ग्रुप है, और यहाँ पे भी एक सी एस थ्री ग्रुप, दो सी एस थ्री को इनको बोलते हैं एल्किल समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इनको, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, यानी इनको बोलते हैं एल्किल ग्रुप है दो, क्या है, एल्किल समूह है दो, क्या है बेटा, एल्किल समूह है, और यहां पे भी क्या है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, यहां पे क्या है, एल्किल समूह है जनाब। दो एल्किल समूह के बीच में क्या आ जाए, द्विसंयोजी परमाणु, यहाँ पे द्विसंयोजी परमाणु है, यहाँ पे डायोल ऑक्सीजन आ गया, O2 आ गया, किनके बीच, दो एल्किल समूह के बीच, वे कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु के एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, कौन, ये ऑक्सीजन किन से जुड़ा हुआ है, सी एस थ्री इससे जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई क्या, डेफिनेशन आपके समझ में आ गई क्या, ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप का जुड़ना। हाँ जी रामेश्वर प्रजापत, सही बोला आपने रामेश्वर, हाँ जी सही बोला है भाई, सर क्लास मॉर्निंग में नहीं फट चुके हैं भाई, नमस्ते जी राहुल चेची, और नमस्ते जी राहुल जी आपको भी। आगे चलो, मैं मेरे दोस्त से बात कर लेता हूँ थोड़ी देर, राहुल जी से, ये क्या लिख रहा है भाई, समझ में नहीं यार, एप्ट एप्ट, ये क्या है भाई, ये क्या लिख रहा है, रामेश्वर प्रजापति भाई क्या लिख रहा है, बता क्या लिख रहा है, नहीं भाई दो ही होते हैं भाई, तीन तीन भी हो सकते हैं, इसके लगा दे आगे सी एच थ्री हो, सी एच टू, सी एच टू सी एच थ्री हो सकता है, कैसे हो भाई, बढ़िया है भाई राहुल चेची, बता भाई बढ़िया है सभी भाई। तो पहले तो इसको उतार लो, साफ साफ तरीके से इसको उतार लो। हाँ सर आ गया, फटाफट चलो, अरे आराम से चलना है, रेल थोड़ी मंड रही है, आराम से बढ़ाएंगे। नीलम जैन समझ में आ गया, ठीक है जी नीलम जैन जी, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, सभी के समझ में आ गया, नीलम जैन ने बोला सर समझ में आ गया, चलो अपन बेटा आगे स्टार्ट करते हैं, इतना सभी के समझ में आ गया, चलो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी इसकी कहानी थी बेसिकली, आपको अंदर मैंने बताया परिभाषा के अंदर, दो एल्काइल समूह के बीच में क्या है, ऑक्सीजन एटम आ जाए। ओके चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब मैं इसको आगे फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अब मैं ईथर के प्रकार पढ़ाता हूँ, दो प्रकार के, तो एक तो सममित और एक होता है असममित, यानी एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल ईथर।
नीलम जैन गई क्या? मैं भूपेश। अरे भूपेश इधर देख तू, नीलम जैन की क्या चक्करों में पड़ रहा है, इधर पढ़ाई में ध्यान दे, केमिस्ट्री में। नीलम जैन का क्या करेगा, यहाँ पे पढ़ाई में ध्यान दे भाई। अब आगे अपन इसमें बात करेंगे ईथर के प्रकार, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर ध्यान देना जी भाई। ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार, वैसे इसको आईपीएससी में पढ़ते हैं बेटा, ईथर के प्रकार यानी ईथर कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ईथर के प्रकार यानी ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो ईथर दो प्रकार के होते हैं जनाब, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल, यानी सममित ईथर होता है और एक होता है असममित ईथर। नहीं भाई अलग है भाई, क्या बोल रहा है रामेश्वर प्रजा भाई, कमेंट मत कर भाई, सही सही कमेंट कर, कोई बात नहीं, इधर पढ़ाई में ध्यान दे। टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार यानी ईथर कितने भागों में बांटा जा सकता है, ईथर को टाइप्स ऑफ ईथर यानी ईथर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का ईथर होता है जनाब। तो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, लिखिएगा जनाब, दो प्रकार लिखाऊंगा पूरा, टू टाइप्स होता है, कितना होता है, टू टाइप्स, कितना होता है, दो प्रकार का होता है जनाब। दो प्रकार कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, पहला लिखेंगे इसमें सममित ईथर, सममित ईथर, ईथर इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, क्या बोलते हैं जनाब, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनाब इसको, सिमेट्रिक ईथर, और एक होता है बेटा जनाब यहाँ पे लिख लो असममित ईथर, असममित ईथर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दो प्रकार का होता है जनाब, कौन कौन से, सममित ईथर होता है जनाब, एक कौन सा होता है जनाब, एक होता है सममित ईथर और एक जनाब कौन सा होता है, असममित ईथर। दो प्रकार के ईथर होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। दो प्रकार के ईथर बताए, एक तो मैंने सममित बताया और एक क्या बताया मैंने जनाब, एक होता है सममित ईथर जिसमें दो दो समान एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए, क्या जुड़े होने चाहिए, सममित का मतलब समान, क्या हो रहा है, सारा सारा जो राज की बात है ना इस वर्ड के अंदर ही छुपी हुई है, सारा जो खेल है इसके अंदर ही सारा कुछ छुपा हुआ है, सारा खेल इसके अंदर ही छुपा हुआ है बेसिकली। तो क्या याद करना है, बेसिकली सममित ईथर में दो एल्काइल समूह समान जुड़े होते हैं, दोनों एल्काइल समूह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दो मेरे पास सी एस थ्री इधर होना चाहिए, राइट साइड में सी एस थ्री होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी सी एस थ्री, और बीच में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन एटम, यानी दोनों क्या होने चाहिए, सममित होने चाहिए, बेसिकली क्या होने चाहिए, सममित होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं सममित ईथर। और असममित में क्या हो, किसी के अंदर यहाँ पे किसी में सी एच थ्री जुड़ा होगा, सी टू एच फाइव जुड़ा होगा, असममित ईथर जिसमें एल्काइल समूह यानी जो एल्काइल समूह है, जो एल्किल समूह है वो डिफरेंट होने चाहिए यानी भिन्न भिन्न होने चाहिए, किसमें, असममित। तो इसमें क्या आएगा, सममित ईथर का मतलब यहाँ पे सेम सेम क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होने चाहिए सममित ईथर में, यानी सेम एल्काइल ग्रुप होने चाहिए बेसिकली, तो सममित ईथर ही होता है। असममित ईथर क्या बताया मैंने बेटा, ध्यान से सुनिएगा, असममित ईथर क्या होता है, यहाँ पे सेम सेम नहीं होते यानी समान एल्किल समूह नहीं होते, वहाँ पे डिफरेंट एल्किल समूह होते हैं, तो ये बेसिकली कहानी थी। तो इसको मैं आगे अब फर्दर डिस्कस करता हूँ, असममित ईथर और सममित ईथर, अब मैं इसको आपको समझा देता हूं, अब मैं इसकी एग्जाम्पल समझाता हूं फिर परिभाषा लिखाता हूं आपको, एग्जाम्पल उदाहरण 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 लिखिएगा, सममित ईथर का उदाहरण क्या है ध्यान दीजिएगा, उदाहरण क्या है सममित ईथर का, मैंने बताया जिसमें समान एल्काइल समूह है, ध्यान देना जी बेटा, सी एच थ्री ओ और सी एच थ्री यानी इसमें एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए, सेम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है सी एस थ्री ग्रुप, दोनों ये ग्रुप दिख रहे हैं आपको, क्या है ये दो समान एल्काइल समूह है, दो समान एल्किल समूह है, यहाँ पे दो समान एल्किल समूह है यानी दो समान एल्किल समूह, तो इसको क्या बोलेंगे,
उसको बोलते हैं सममित ईथर, जहां पे दो समान एल्काइल समूह हो, यानी दो समान क्या होने चाहिए, एल्किल समूह होने चाहिए बेसिकली। तो ये आपको बेसिकली कहानी आनी ही चाहिए, यानी दो समान एल्किल समूह होने चाहिए बेसिकली। कितने समूह, दो समान एल्किल समूह होने चाहिए। तो ये सारा सममित ईथर और ये असममित ईथर की बेसिकली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। सममित ईथर, ईथर क्या होते हैं, जिसमें दो समान एल्किल समूह हो, और इसमें क्या हो, असममित ईथर का मतलब क्या हुआ, अनसिमेट्रिक, जहां पे एल्किल समूह क्या हो, अलग अलग हो। हाँ जी, खा लिया, सब कुछ खा लिया भाई, तैयार बन चुका था पहले भाई। भूपेश आपने खा लिया, सभी खाना पास रखे गए क्योंकि मैराथन क्लास है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। भाई सममित ईथर और असममित, यानी बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर और एक बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, जहां सेम एल्काइल ग्रुप हो, और जहां पे अनसिमेट्रिकल, जहां पे एल्किल समूह असमान होने चाहिए, जहां पे एल्किल समूह, यहां पे क्या जाएगा, इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, भिन्न भिन्न एल्किल समूह, एल्किल समूह, यानी मैं लिख सकता हूं इसको डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, यानी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए वहां, भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए। तो बेसिकली इसकी ये कहानी थी अभी तक की। तो आपको कहानी समझ में आ गई क्या, मैंने क्या बोला बेटा, सुनिएगा, एक दो प्रकार के ईथर होते हैं, एक होता है सममित ईथर और एक होता है असममित ईथर। सभी के समझ में आ गया, नहीं आया क्या हो गया बाबूलाल, कैसे नहीं आया, क्या नहीं आया बता पहले तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पहले, क्या नहीं आया समझ में कमेंट कर। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सममित और असममित, कमेंट कर क्या समझ में नहीं आया पहले कमेंट कर, कमेंट देखूंगा, कमेंट कर पहले, क्या समझ में नहीं आया बता जल्दी से, बता भाई जल्दी बता, टाइम नहीं है बाबूलाल, जल्दी से बता बेटा, क्या समझ में नहीं आया जल्दी बता दे मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है, जल्दी बता भाई। अरे अब कमेंट क्यों कर रहा, कमेंट नहीं करने आता है क्या बाबूलाल, कमेंट नहीं करना आता है फिर क्या करना आता है, फिर एक तो क्वेश्चन पूछता है फिर कमेंट नहीं करना आता है। अरे राहुल तेरे समझ में आएगा, अरे परिभाषा क्या लिखनी है, मैं लिखा रहा हूँ परिभाषा भी लिखाऊंगा ना, सबरले भी लिखा रहा हूँ, लिखिएगा परिभाषा, लिखो पहले तो इसका एग्जाम्पल, परिभाषा लिखो पहले, लिखो सममित ईथर में, लिखो सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह, सममित ईथर में, सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, सममित ईथर में, सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, सममित ईथर में दोनों समूह, दोनों समूह यानी दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। समझ में आ गया बाबूलाल, अब बता बाबूलाल जल्दी बोल बाबूलाल, अब बाबूलाल बोल, अब समझ में आ गया क्या, दीपक सैनी, नीलम जैन, समझ में आ गया, रामउतार स्वामी, हेलो, अरे हेलो क्या है, साफ साफ नोट्स में नहीं, मेरा टॉपिक चल रहा है बीच में क्या कमेंट कर देता है, समझ में नहीं आता कि तेरे, रामउतार स्वामी, हाँ सर बोल भाई क्या हो गया, जल्दी बोल बता बता, रामउतार स्वामी क्या समझ में नहीं आया, आगे चलो, आगे चलेंगे भाई, अभी समझ में नहीं आया रामउतार स्वामी की, उसके बारे में कहानी बताते हैं उसको, क्या समझ में कहानी नहीं आई इसकी, रामउतार के समझ में नहीं आया टॉपिक, रामउतार स्वामी कॉफी पेन साथ साथ है क्या, पहले लिख रहा है नोट्स वोट्स बना रहा है क्या, ये ऐसे ही देख रहा है वीडियो को मजे लेने के लिए, मजे लेने के लिए वीडियो लेक्चर देख रहा है क्या। नीलम जैन ने बोला सर समझ में आ गया, ठीक है नीलम जैन जी, अब स्टार्ट करते हैं आगे इसको। अब देखिएगा भाई, सममित ईथर क्या होता है, जिसमें
दोनों एल्किल समूह समान होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों एल्किल समूह समाप्त होने चाहिए। अब दूसरा लिखिएगा जिसमें दोनों एल्किल समूह समान होने चाहिए बेसिकली। दूसरा लिखिएगा जनाब, दूसरा मैंने क्या बोला ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैंने क्या लिखाया था आपको, असममित 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 ईथर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसकी बेसिकली कहानी क्या होती है, जिसमें एल्किल समूह क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एल्किल समूह डिफरेंट होने चाहिए, यानी इसमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, यानी इसमें क्या होना चाहिए, भिन्न 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 एल्किल समूह, एल्किल समूह होने चाहिए, होने चाहिए, यानी भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट क्या होना चाहिए इसमें, एल्किल समूह होने चाहिए जनाब। ये मैंने बेसिकली अभी तक कहानी बताई, यानी डिफरेंट क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप। परिभाषा लिखो अब जनाब, असममित ईथरों में, असममित ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु से, ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हुए, असममित ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह, जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न हो, एल्किल समूह भिन्न हो, उन्हें मिश्रित ईथर भी कहते हैं। असममित ईथरों में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न हो, उन्हें मिश्रित ईथर भी कहते हैं, उन्हें मिश्रित ईथर भी कहते हैं, यानी उसके अंदर क्या होने चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। अब मैं इसके एग्जांपल कराता हूँ, इसका उदाहरण एग्जांपल क्या है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा जनाब, जनाब इधर ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लिखा रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास CH3 ग्रुप है, O है, यहाँ पे C2H5 है जनाब, इसके अंदर क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, दो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। कौन कौन से एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ध्यान दीजिएगा जनाब, कौन है, दो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे तो C2H5 है, एथिल है, और यहाँ पे क्या है, मैथिल है। कौन सा है, यहाँ पे एथिल है और यहाँ पे मैथिल है, दोनों ग्रुप क्या है, असमान है। तो पहले किसका नाम लिखा जाता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, क्या आता है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथिल, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ मैथिल, क्या बोलते हैं इसको, मैथिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, ईथर एथिल आएगा, क्या आएगा, एथिल, क्या आएगा जनाब, एथिल आएगा, और यहाँ पे है मैथिल, क्या है, मैथिल। यहाँ पे दो आएंगे, एक है एथिल और एक है मैथिल, यानी पहले कौन आएगा, यहाँ पे एथिल आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम क्या होगा जनाब, इसका नाम क्या होगा जनाब, एथिल एथिल मैथिल, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर इसका कॉमन नेम होता है, एथिल मैथिल ईथर। तो जनाब आपके समझ में आ गया होगा, तो ये IUPAC नेम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया इसकी क्या कहानी होती है। तो मैंने क्या बताया इसके अंदर, एथिल मैथिल ईथर, यानी दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, IUPAC नेम क्या होगा अभी बताएंगे, IUPAC नेम भी भाई नो टेंशन रहे भाई, बताऊंगा अभी, इसका हो जाएगा भाई, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम हो जाएगा मैथोक्सी एथेन, क्या हो जाएगा, मैथोक्सी एथेन, इसका यहां से लेंगे, इसको बोलते हैं एथेन, क्या बोलेंगे इसको, एथेन, दो ग्रुप है, एक बोलते हैं मैथ और दो को बोलते हैं एथ, क्या हो जाएगा IUPAC नेम, बाबूलाल सुन ले इधर, बाबूलाल प्रजापति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बोलेंगे मैथो, इसका नामकरण करेंगे पहले मैथोक्सी से, क्लास कल ले लेना, नहीं क्लास चलेगी भाई, एक घंटे क्लास है आज की,
इसको बोलेंगे क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथोक्सी एथेन, क्या हो जाएगा, मैथोक्सी एथेन, क्या हो जाएगा, मैथोक्सी एथेन। तो सभी उतार लो पहले, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो इसका। हाँ ठीक है भाई, इतना स्कोर हो गया, ओके सभी को। आ गया समझ में सर, मैथोक्सी एथेन, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है जी आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है भाई। सर नेट ख़त्म हो गया, सर नेट ख़त्म हो गया, नीलम जैन किसी के पास ले ले, पड़ोसी में होगा कोई, किसी के पास ले ले नेट, कोई प्रॉब्लम, नेट को ख़त्म क्यों करते हो, क्लास तो 8 बजे आती है ना, नेट को ख़त्म मत किया करो भाई, नेट का सदुपयोग किया करो भाई, लेक्चर देखा करो बढ़िया बढ़िया केमिस्ट्री के, यूट्यूब के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं भाई। तो सभी के समझ में आ गया कि यह कहानी क्या है बेसिकली अभी तक की, शानदार समझ में आओ, बहुत बढ़िया भाई, राहुल चेची भी जुड़ चुके हैं, समझ में आ गया भाई, अरे तेरे तो समझ में आएगा, तू एमएससी किया हुआ है, अरे नेट, नेट की तो दुनिया को प्रॉब्लम भाई, मैं कहाँ से दे दूँ सभी को नेट, उतार लो पहले सभी इसको, स्क्रीनशॉट मार लो इसको पहले, तो स्क्रीनशॉट मार लो इसको। असममित और सममित इथर, दो प्रकार के इथर होते हैं, जुड़ रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं, और किसी को प्रॉब्लम है कोई भाई, कोई बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो जनाब। सर और क्लास होती हैं, और क्लास कौन कौन सी होती हैं भाई बता मुझे, कौन कौन सी क्लास होती हैं आजकल जल्दी बता भाई, निर्मल कौन कौन सी क्लास होती हैं, और क्लास कौन कौन सी होती हैं, क्लास कौन कौन सी होती हैं जल्दी कमेंट कर, फास्ट कमेंट, फास्ट कमेंट करो जल्दी सी, कौन कौन सी बेसिकली क्लास होती हैं कमेंट करो पहले से भी। सर आप फड़ाओ रे, फड़ाएंगे भाई, बात कर रहा हूँ, पहले बात करना ज़रूरी है भाई। लो अब स्टार्ट करते हैं आगे, अब लिखो नेक्स्ट, लिखिएगा नामकरण, नेक्स्ट टॉपिक है ईथर का नामकरण, ईथर का आईपीएससी नामकरण, लिखिएगा अगला टॉपिक ईथर का, ईथर का आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, किसका, ईथर का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी ईथर का आईयूपीएससी फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स मैथ, मैथ के टीचर कौन है, सुशील जी पढ़ाते हैं मैथ, तो सुशील जी सर गोल्ड मेडलिस्ट। ईथर का आईयूपीएससी नामकरण, यानी ईथर का आईयूपीएससी नामकरण क्या होता है बेसिकली आपको आना चाहिए, ईथर का आईयूपीएससी नामकरण। हाँ भाई बायो से है ये बे के ऑफ, क्या है भाई क्या लिख रहा है पता नहीं, लिखो आईयूपीएससी पद्धति में लिखो, ईथर में इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार लिखिएगा, इस पद्धति के अनुसार ईथर में, ईथर में इस पद्धति के अनुसार ईथर में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, इस पद्धति के अनुसार ईथर में एल्केन के, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, इस पद्धति के अनुसार ईथर में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के साथ, परमाणु के साथ, परमाणु के स्थान पर, इस पद्धति के अनुसार ईथर में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्कोक्सी समूह जुड़ा है, एल्कोक्सी समूह जुड़ा है, अर्थात इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन होगा, अर्थात इसका नामकरण एल्कोक्सी एल्केन होगा। यानी कैसे नामकरण करते हैं जनाब, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या करते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, आईयूपीएससी नामकरण ऐसे करते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप और यहाँ पे ये जोड़ते हैं एल्कोक्सी एल्केन, यानी एल्कोक्सी प्लस एल्केन की बेसिकली कहानी क्या होती है, तो एल्कोक्सी जोड़ेंगे प्लस में
एल्कीन। अब मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूँ जनाब, ध्यान दीजिएगा भाई, जितना उसको शेयर कर दो पहले जितना हो सके भाई, एल्कोक्सी प्लस एल्कीन, कमेंट करो कमेंट जल्दी जल्दी, शेयर करो शेयर करो, लाइक करो भाई। एल्कोक्सी पुरुलगन होता है, ये क्या होता है बेटा, बेटा जी पुरुलगन, इसको बोलते हैं पुरुलगन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफिक्स, क्या बोलते हैं परफिक्स, क्या बोलते हैं परफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में कहेगा एल्कोक्सी एल्केन के रूप में इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है जनाब। तो आपको क्या याद रखना है, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा भाई इसके अंदर नीट जेई में क्वेश्चन आता है यहाँ से बहुत ज्यादा, आईपीएससी नेम एल्कोक्सी प्लस एल्किन, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो पहले, तो से मैं एग्जांपल करा रहा हूं सभी को। अब देखिएगा भाई एक बार इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूं जल्दी से, मुझे आईपीएससी नेम कराना है इसका, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, एग्जाम्पल जल्दी से, उदाहरण है ये उदाहरण, इसका नाम बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी से पूछूंगा, सी एस थ्री ओ C2H5, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी सी, इसका बताना CH3O, और यहाँ पे है CH3 और CH3, जल्दी से इनके IUPAC नेम बताओ जो मुझे, जल्दी से मुझे IUPAC नेम बताओ इसका, और भी एग्जांपल दे रहा हूँ एक CH3 और यहाँ पे है CH2 ओ, और यहाँ पे इसका है CH CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3, जल्दी से इसका IUPAC नेम बता दो मुझे। एक और दे देता हूँ आपको, C2H5 O C2H5 जनाब जल्दी से मुझे आईपीएससी नेम बताओ, 1 2 3 4 और 5, जल्दी से इनके आईपीएससी नेम बताओ, एक एक का आईपीएससी नेम बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ भाई। मैथोक्सी भाई जल्दी नेम बताओ, CH3 O CH3 CH3 O C2H5 CH3 O CH CH3 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 CH2 O CH CH3 CH2 CH3, जल्दी से बताओ नाम, जल्दी से आईपीएससी नेम बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम में आते हैं। एल्कोक्सी एल्किन आईपीएससी नेम बताओ जल्दी से जनाब, नीलम जैन जल्दी से बताओ, सृष्टि बताओ, और कौन है बाबूलाल, रामेश्वर, प्रजापत, भूपेश, जितने भी हैं जुड़ रहे हैं बताओ इसका नाम, बताओ भाई इसका नाम बताओ जल्दी से, CH3 O CH3 CH3 O C2H5 CH3 O CH CH3 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 CH2 O CH CH3 CH2 CH3, और लास्ट में C2H5 O C2H5, जल्दी से बोलो भाई कौन से का है एथोक्सी एथेन, नाम तो बता पहले कौन से नंबर का है, एक नंबर का है, पांच नंबर का है, तीन नंबर का है, जल्दी से बता पहले नामकरण बता जल्दी से इनका, जल्दी बोल जल्दी, टाइम नहीं है, 10 मिनट और बच रही है भाई, क्लास ऑफ करने वाला हूँ। पांच नंबर का, हाँ सही है पांच नंबर का, सही बताया भूपेश ने, और बताओ जल्दी बताओ इनका आईपीएससी नेम, पहले का बताओ जल्दी सी, सभी को मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से बता दो इनको, 5 मिनट समय आपके पास, 5 मिनट के बाद में आपको मैं पूछ लूंगा, जल्दी सी 5 मिनट का आपके पास टाइम है, इतने में आप सोल्व कर लो कॉपी में। कौन से का है, पहले दो नंबर का है एथोक्सी मैथेन, दो नंबर का एथोक्सी कहाँ से आ गया रे, ढंग से बता ढंग से, दो नंबर में गलत है, दिस इज ए रॉन्ग, बता जल्दी सी, जल्दी बताओ जल्दी, 5 मिनट होते ही मैं पूछ लूंगा सभी से, जल्दी से बताओ बेटा भाई इसका, बताओ भूपेश गलत है, दूसरे का गलत है भूपेश, जल्दी बताओ 5 मिनट का समय भाई, फास्ट क्यूज जल्दी जल्दी उत्तर बताओ भाई, फास्ट क्यूज बताओ जल्दी से, फर्स्ट का मैथोक्सी मैथेन गलत है भाई,
का मैथोक्सी मैथेन, पहले का सही है भाई, मैथोक्सी मैथेन इसने बताया, बाबूलाल ने बताया भाई इसका नाम, इसका नाम क्या हुआ पहले वाले का, पहले वाले का नाम है भाई मैथोक्सी मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी मैथेन सही बताया पहले का, पहले का सही बताया बाबूलाल, कैसे गलत है सेकंड का बताओ। अरे भाई उसके अल्फाबेटिकल में करना, पहले कौन आता है, दूसरे का बताओ जल्दी सी, सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव, इसका नाम लेते हैं ये वाले का, इसका नाम लेते हैं एलकेन है, यहाँ पे एलकेन नहीं इंक्लूड है, एलकेन है भाई, इसका नाम लेते हैं इधर वाले का नाम करते हैं, जल्दी से बताओ दूसरे का भाई, पीएससी नहीं बताओ मुझे, पहले का सही ये बताया बाबूलाल ने, सही बताया है राइट बाबूलाल, दूसरे का बता जल्दी सी, एथोक्सी मैथेन टू का गलत है भाई, गलत है दूसरा, तो दूसरा गलत है तेरा। अरे इस इधर वाला लेना है सी एस थ्री ओ ग्रुप, ये तो एल्केन है, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इधर देख महाराज, महाराज इधर देख क्या बोल रहा है महाराज, इधर देख सी एस थ्री ओ सी टू एच, ये एल्कोक्सी ग्रुप को लेना है पहले, अभी लिखा है पीएससी ने एल्कोक्सी प्लस एल्केन, ये वाला इसका, ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप है सारे, ये वाले पूरे, ये वाले ग्रुप और ये वाले, जल्दी से बताओ दूसरे का आंसर, बताओ दूसरे का जल्दी से, अल्फाबेटिक नहीं, नहीं वैसे एल्कोक्सी ग्रुप में बताने भाई, ना ना वो गलत है रूल, मैंने गलत बता दिया सॉरी, एल्कोक्सी एल्केन उसके हिसाब से करने, जल्दी बताओ भाई फास्ट 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 क्विज फास्ट, बताओ भाई जल्दी से बताओ इसका, जल्दी बताओ भाई आपका रूल, भाई मैंने गलत बोल दिया रूल, मैं फटाऊंगा यूपीएससी नॉर्मल कर तब बता दूंगा रूल, अब तो अपने शॉर्ट ट्रिक ही ध्यान रखना, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, एल्केन मैथोक्सी नहीं, निर्मल गलत बोल दिया, निर्मल गलत बोला निर्मल ने, निर्मला क्या हो गया तेरे, जल्दी से बता इसका, टूका ए टूका ईजी, अरे इधर देखो ईजी है बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे सी एस थ्री, क्या बोलते सी एस थ्री ओ, इसको बोलते हैं मैथोक्सी, क्या बोलते हैं मैथोक्सी बोलते हैं सी एस थ्री को, मैथोक्सी एथेन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे मैथोक्सी, यानी सी एस थ्री क्या बोलते हैं मैथोक्सी, एक ग्रुप क्या बोलते हैं मैथोक्सी, क्या हो जाएगा मैथोक्सी मैथोक्सी, और इसको बोलेंगे एथेन, ये होगा जनाब मैथोक्सी एथेन, जल्दी से तीसरा नाम बताओ, तीसरा नाम यूपीएससी नॉर्मल क्लेचर, तीसरा बता दो जल्दी से, तीसरा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तीसरा नहीं बताया सृष्टि, जल्दी से बता तीसरा, बता जल्दी से, बता बताओ बता भाई बता बता भाई, तीसरा तीसरा बताएगा उसको मैं मान लूंगा फास्ट दिमाग है उसमें, तीसरा बताओ जल्दी से, यानी इसको नंबरिंग देंगे यहां से, ये क्या हो गया प्रोपेन हो गया यहां से, एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर, ये तो प्रोपेन बन गया यहां से, नंबरिंग देंगे वन इसको देंगे टू और थ्री, अब बताओ जल्दी से इसका नाम, मैथोक्सी प्रोपेन, ना ना गलत है गलत है गलत है भाई बाबूलाल, बाबूलाल गलत है, ये गलत बात है भाई, पानी पी क्या जल्दी सी, पानी पी क्या बाबूलाल जल्दी सी, भूख लग रही है, गलत है बता जल्दी सी बाबूलाल, बाबूलाल बता दूसरा जल्दी सी, दूसरे का यूपीएससी नेम बताओ जल्दी जल्दी भाई, जल्दी सी बता बाबूलाल क्या हो गया लालो के लाल, जल्दी बता इसको, तीसरे का आंसर बता जल्दी सी, अरे भूपेश बता जल्दी सी, तीसरे का नाम, तीसरे का नाम कौन बताएगा भाई, क्लास ऑफ करने वाला, 7 मिनट बच रही है भाई, अब जल्दी सी बता दो भाई जल्दी सी, अब यूपीएससी नेम का स्वाहा करते हैं, स्वाहा स्वाहा करेंगे आईपीएससी नहीं हुआ, 1,3-dimethyl मैथोक्सी, अरे गलत है निर्मला, गलत है ये तो गलत है भाई, अरे गलत है सोच समझ के करो भाई, हवा में तीर क्यों मार रहा है, हवा में तीर नहीं मार रहा है कोई भी, हवा में तीर तो मारना ही नहीं है भाई, हवा में तीर कोई नहीं मारेगा, सोच समझ के बताओ इसको, मैंने नंबरिंग दे दिया ना 1, 2, 3, अरे इजी अब तो बोलो, मैं बताता हूँ दोबारा देखिए इधर,
यहाँ पे देख नंबरिंग दे इसको 1, 2, 3 यानी एक नंबर दो नंबर थ्री, ये एल्कोक्सी ग्रुप है यहाँ पे। अरे दिख रहा है ना, इधर देखो, इधर दिख रहा है सी एस थ्री ओ दिख रहा है, सी एस थ्री ओ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू मेथोक्सी, यानी दो पे आ रहा है, ये दो एल्कोक्सी ग्रुप दो पे आ रहा है, इधर देख इधर ये दो नंबर है, दो नंबर, दो नंबरिंग देख रहा है, यहाँ पे एक नंबर दिया, दो नंबर दिया और तीन नंबर दिया, क्या दिया 1, 2 और 3, यहाँ पे तीन दिया और इसके साथ क्या एल्कोक्सी ग्रुप क्या कितने कितने पे जुड़ रहा है, दो पे जुड़ रहा है, उसके क्या बोलेंगे, टू मेथोक्सी प्रोपेन। सभी गलत बता रहे, कोई नहीं बताया राइट। अब चौथे का जल्दी से बता दो मुझे, चौथे का बताओ जल्दी से, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, जल्दी से दूसरे का नाम बताओ जल्दी फास्ट, दूसरे का नाम बताओ मुझे जल्दी फास्ट, जल्दी से बताओ, सृष्टि बता जल्दी से, नीलम जैन बता, इसके अंदर क्या आएगा, चौथा का यूपीएससी नेम बताओ, नीट के अंदर क्वेश्चन आए भाई पीएमटी में, सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एस सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई, फोर नंबर दे दिया इसको, चार नंबर मिलेंगे भाई, बताओ बताओ रे, सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एच टू सी एस थ्री सी एस थ्री, जल्दी बताओ भाई, क्या हुआ, कमेंट नहीं करो, सारे ऑफ हो गए, अरे जल्दी बताओ, समझ में आ गया आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, 1, 2, 3, 4 जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी से बताओ इसका यूपीएससी नेम, सेम एज इट इज है, थर्ड वाला किया वैसे आएगा फोर्थ वाला, 2-ethoxybutan, वेरी गुड भाई भूपेश, वेरी गुड 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 गुड, सही है भूपेश का भाई, तो इसको लिखो 2-ethoxy और यहां पे हो जाएगा ब्यूटेन, शाबाश भूपेश, 2-ethoxybutan, 2-ethoxybutan, शाबाश। अब जल्दी से इसका भी बता दे, जल्दी से इसका भी नाम बता दे, इसका नाम बता दे, ये वाला और ये वाला, ये तो एल्कोक्सी ग्रुप हो गया और ये C2H5 होगा, इसका नाम बताओ जल्दी से, लास्ट बच गया मेरे पास पांच नंबर वाला बच गया, जल्दी से बताओ भाई, एथोक्सी एथेन, वेरी गुड निर्मल, सही है आपका, वेरी गुड निर्मल ने सबसे पहले जवाब दिया, और दो जवाब भाई, एथोक्सी एथेन सही है निर्मल का, और बताओ ये कौन है, रामेश्वर प्रजा, तेरा भी सही है, रामेश्वर का भी सही है, रामेश्वर तेरा भी सही है भाई, और बताओ भाई, दो का सही आ गया, गुड नाइट सर जी, सो जा आईपीएल देख ले, आईपीएल आ रहा है, गुड नाइट, अरे फटता तो है नहीं, पेन कॉपी लाता नहीं है, फिर कैसे याद होगा तेरे, पेन कॉपी से लिखा करो, अरे क्या लिख रहा है ये रामेश्वर, क्या हो गया तेरे दिमाग में, क्या क्या लिख रहा है, आईपीएससी ने बताना था इसका, और क्या लिख रहा है, हूं ये हूं क्या है, जल्दी से नाम बता पहले तो इसका, नाम बता, तीन मिनट बच रही है, मैं क्लास को ओपन करने वाला हूँ भाई, सर चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, आईपीएल चल रहा है और क्या चल रहा है, या फोक चलाएगा, इसको देखो यहाँ पे, इसका नाम बताओ, पांच का नाम आईपीएससी नेम बताओ जल्दी से, पांच वाले का आईपीएससी नेम बताओ, भूपेश ने सही बताया, निर्मल ने सही बताया, और बताओ भाई, आईपीएल, इसका आईपीएससी नेम बताओ, फालतू कमेंट मत करो, ठीक है, इसका आईपीएससी नेम मैं बता देता हूँ, ये एल्कोक्सी ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, एथोक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथोक्सी और इसका नाम हो जाएगा एथेन, तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, इसका आईपीएससी नेम होता है एथोक्सी एथेन। अब तो बाबूलाल भी कर रहा है, चिटिंग कर रहा है, यू आर चीटर बाबूलाल, एथोक्सी एथेन बाबूलाल चीटर है, पहले नहीं बताया बाबूलाल, प्रजापत नहीं बताया, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे पूरे, तो जल्दी जल्दी बता दो भाई, चीटर, हाँ भूपेश चीटर तो है ही, उसने पहले नहीं बताया, भूपेश सबसे पहले बताया भाई, फिर निर्मल ने बताया, फिर और किसी ने नहीं बताया, दो का ही सही था, दो ने सही बताया था भाई, दोनों ने
सही बताया, सही जवाब दिया है भाइयों दोनों ने। अब जल्दी से मुझे कुमारा की धूल मथुरा, धूल मथुरा, हाँ क्या क्या गाना गा रहे हैं बता। इसका यूपीएससी नेम पूरा हो गया। वेरी गुड नाइट जी सभी को, सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। आप और हमारा आमना सामना बहुत बढ़िया हुआ। अपन मैराथन क्लास के अंदर 1 घंटे की मैराथन क्लास लेके आया था बाबूलाल। बाबूलाल ने क्या उड़ा दिया भाई, बाबूलाल ने कुमारों की धूल उड़ा दी। अरे ये तो गलत कमेंट है भाई। अरे आगे कहाँ चलेंगे भाई, एक घंटा हो चुका है, मैराथन क्लास 1 घंटे की ली थी मैंने आज बस। गुड बाय, गुड नाइट, सी यू सून, टेक केयर। और मैं आपसे मुलाकात करता रहूँगा, और अगली क्लास कन्फर्म नहीं है, कभी भी आ सकती है क्लास, मैं शेड्यूल डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो बाय बाय, टेक केयर, आप सभी को धन्यवाद।